नमस्कार नमस्कार, जीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अब आप अमित सर को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें फॉलो करना ना भूलें। अगर आप अनअकैडमी प्लस पर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो इस कोड यानी अमित फॉर जीएसपी का इस्तेमाल करना ना भूलें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा फिलहाल अमित सर अनअकैडमी पर सीडीएस सीएपीएफ एफके की क्लास ले रहे हैं, जिसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस पर डिफेंस सर्विस का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसके बाद आप सर की क्लासेस को देख, और अगर आप सर की क्लास को फ्री में देखना चाहते हैं तो फ्री में स्पेशल क्लासेस दिए जा रहे हैं। उसके लिए आप अनअकैडमी पर जो स्पेशल क्लासेस दिए जाते हैं उन्हें आप वॉच कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि मोस्टली शाम 7:30 बजे लिए जाती है या फिलहाल अल्टरनेट डे पे ली जा रही है। सर के द्वारा एक नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है, तो फिलहाल आप उनके कोर्सेज को एनरोल कर लें ताकि आपको समय समय पर अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, या जो क्लासेस हैं वह आपको हर एग्जाम में काम आएंगे। इन स्पेशल क्लासेस के द्वारा आपको यह भी पता लग जाएगा कि अनअकैडमी पर प्लस की क्लासेस किस तरह से वर्क करती हैं। आइए आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। इससे पहले बता दें कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो उसे ज्वाइन कर लें, जहां पर हम डेली अपने करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को डालते हैं। जीएस पाठशाला के डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम उन घटनाओं को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आए, जैसे यूपीएससी, अदर सिविल सर्विस एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंक, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ आदि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो के नीचे जो बेल आइकन बना उसे प्रेस करना ना भूले ताकि आपको फर्दर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए बात करते हैं आज की राष्ट्रीय खबर की। राष्ट्रीय खबर में सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि भारत का पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन का स्थापना कहां पर किया गया है, या हमारे सारे ऑप्शंस हैं, या जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है या उड़ीसा के भुवनेश्वर में की गई है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी हैं, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यह जो वर्चुअल स्टेशन स्थापित करने का मेन मोटो यह है कि लोगों को पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपनी कंप्लेन दर्ज कराने में भी जो भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है उन्हें कम और सुविधाजनक बनाने के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई है। यह एक ऑनलाइन ई कंप्लेन बोल सकते हैं पोर्टल है जिसकी शुरुआत की गई है। इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाकर किसी भी शिकायत को दर्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल यह सिर्फ उड़ीसा में ही लागू है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी के द्वारा, उनके द्वारा वर्चुअल पुलिस स्टेशन का जो स्थापना है उसका उद्घाटन किया गया है। इसमें इतना ही, आइए हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है इस प्रकार से है कि भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहां पर बनाया जा रहा है, या हमारे सारे ऑप्शंस हैं। यह जो पहला अंडर वाटर मेट्रो है वह कोलकाता में बनाया जा रहा है। अंडर वाटर मेट्रो परियोजना का कार्य कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि 520 मीटर की पानी के नीचे की सुरंग को पार करने में मात्र 1 मिनट का समय लगेगा, ऐसा इसका अनुमान लगाया गया है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना का 74% हिस्सा भारतीय रेलवे के पास है और 26% हिस्सा विदेश, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के पास है। इसमें इतना ही, आइए हम आगे देखते हैं। कोलकाता मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक मानस सरकार हैं। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष सुनीत शर्मा हैं। कोलकाता मेट्रो कॉरपोरेशन की स्थापना 2008 में हुई थी। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वह ममता बनर्जी जी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अंडर वाटर मेट्रो खबर में इतना ही, आइए हम आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2019 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? या राज्य से संबंधित ऑप्शन से, या जो राज्य है वह उत्तराखंड को 2019 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपदा समन प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड संस्था श्रेणी में कुमार मुनन सिंह को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में कार्य कर रहे व्यक्तियों और उनकी संस्थानों को दिया जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान जी हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2019 में इतना ही। आइए हम आगे देखें कि हाल ही में मेट्रो एक्वा लाइन रूट की शुरुआत किस राज्य में की गई। यह ऑप्शंस इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। यह महा मेट्रो नेटवर्क के द्वारा नागपुर मेट्रो लाइन एक्वा के 18.5 किलोमीटर तक के लंबे रूट का उद्घाटन किया गया है। यह एक्वा लाइन रूट जो है वह नागपुर मेट्रो से इसकी शुरुआत की गई है। यह ट्रेन एक एक्वा लाइन है जो कि शहर की अनबा झरी झील के ऊपर से होकर गुजरेगी। यह एक छोर को शहर के पूर्वी हिस्सों को पश्चिम इलाकों से जोड़ेगी। इस परियोजना में नागपुर मेट्रो सौर ऊर्जा से उसकी बिजली की आपूर्ति 65% तक का हिस्सा प्राप्त करेगी। एक्वा लाइन रूट में इतना ही। आइए हम आगे चलते हैं। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने जीता प्रथम पुरस्कार? यह हमारे ऑप्शन है। इसमें जो परेड हुआ था जिसमें हर राज्य की झांकी को प्रदर्शित किया गया था, इसमें असम के द्वारा फर्स्ट स्थान प्राप्त किया गया है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की झांकियां थी। असम की झांकियों में विशेषता आदित्य शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमिका को दिखाया गया था जिनमें बांस और बेत के कार्य को दर्शाया गया था। उत्तर प्रदेश की झांकी की बात करें तो इसमें राज्य की संस्कृति को और धार्मिक विरासत को शामिल किया गया था। उड़ीसा की झांकी में भगवान लिंगराज की यात्रा को प्रदर्शित किया गया था जिसके कारण उत्तर प्रदेश और उड़ीसा सेकंड नंबर पर रहे और असम जो है जिसने अपनी झांकी के द्वारा वहाँ का जो बांस और बेत का कार्य है उसे दर्शाया था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जल शक्ति मिशन की झांकियों को मंत्रालय और विभागों की झांकियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान हुआ है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को उसकी झांकी कश्मीर से कन्याकुमारी झांकियों की झलक के लिए विशेषता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। या जो झांकी का आयोजन हुआ था वह 71वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर हुआ था। या हर साल जो परेड आयोजित होती है इसमें इस तरह की झांकियों को प्रदर्शित किया जाता है। और यह रही असम की झांकी जिसे इस बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जिसमें बांस और बेत से संबंधित क्रिया जो भी कार्य शिल्प है उन्हें दर्शाया गया है। इसमें इतना ही। आइए हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि भारत का पहला कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। यह हमारे ऑप्शन है। इन ऑप्शन में से अगर बात करें उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसे बनाया गया है। यह देश का पहला सरकारी संयंत्र है। इसमें 1.79 करोड़ लागत से इसे तैयार किया गया है। इसमें प्लास्टिक और ई कचरा सहित 500 किलोग्राम कचरा प्रतिदिन निपटाने की क्षमता को शामिल किया गया है। और यह भारत का पहला सरकारी संयंत्र है जो कि कचरे से ऊर्जा का उत्पादन करेगा जो कि उड़ीसा में स्थापित किया गया है। कचरे से संबंधित ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में इतना ही। आइए हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2019 के हिंदी शब्द क्या घोषित किया गया है।
यह जो हिंदी शब्द है वह संविधान को ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ शब्द से घोषित किया गया है। और अगर बात करें इंग्लिश में तो अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज यह जो शब्द है उसे घोषित किया गया ऑक्सफोर्ड के द्वारा, यह इंग्लिश के लिए है और संविधान हिंदी के लिए है। आइए अब हम संविधान की परिभाषा को देखते हैं। यह जो शब्द है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में इसे संविधान कहते हैं, यह शब्द 2019 में लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, न्याय स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल्यों को संविधान की कसौटी पर परखा गया था। संविधान का अर्थ है मूलतः सिद्धांतों पर यह स्थापित मिसाल दृष्टिकोण जिसके अनुसार किसी राज्य या संगठन को शासित किया जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जिसके तहत यह जो वर्ड है संविधान उसे ऑक्सफोर्ड 2019 शब्द घोषित किया गया है। इसका जो मुख्यालय है वह यूनाइटेड किंगडम में है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित की जाने वाली अंग्रेजी भाषा का एक प्रमुख ऐतिहासिक शब्दकोश है। ऑक्सफोर्ड द्वारा यह जो शब्द है इसमें इतना ही। आइए हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है इस प्रकार से है कि कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। यह हमारे ऑप्शंस हैं। कतर के जो अगले प्रधानमंत्री बने हैं वह शेख खलीद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी है। इन्होंने शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल सानी का स्थान लिया है। कतर की राजधानी दोहा है। कतर की जो मुद्रा है वह कतरी रियाल है। और यह रहे शेख खलीद जो कि अभी हाल ही में कतर के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए हैं। इसमें इतना ही। आइए हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न टॉपिक है वह इस प्रकार से है, वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित। यह जो वेब पोर्टल है वह ग्राम एप्लीकेशन के नेटवर्क को बढ़ाएगा। इस वेब पोर्टल के द्वारा जो है इसरो द्वारा विकसित उपग्रह तकनीकी की सहायता से कार्य करेगा। इसमें इसरो ग्राम पंचायत सदस्य और हितकरों के साथ मिलकर उसकी डेटा आवश्यकताओं का पता लगाएगा। पोर्टल का तीसरा संस्करण पंचायत सदस्यों के साथ साथ उन लोगों को भी लाभ पहुंचाएगा और डेटाबेस विजुअलाइजेशन और सेवा भी प्रदान करेगा। यह जो परियोजना है वह पंचायती राज मंत्रालय की ग्राम पंचायत विकास प्रक्रिया की सहायता के साथ भू स्थानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण होंगी। इसरो से संबंधित भुवन पंचायत V3 वेब पोर्टल में इतना ही। आइए हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह किताब से संबंधित। रेलेंटलेस पुस्तक किसकी आत्मकथा पर केंद्रित है। अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह हमारे ऑप्शन है। यह जो पुस्तक है वह यशवंत सिन्हा जी की आत्मकथा है जिसका नाम रिलेंटलेस है। इस पुस्तक में उनके द्वारा एक आम आदमी के सफर को एक राजनीतिक सफर में बदलते हुए, और यह रही वह पुस्तक जिसका अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। आइए बात करते हैं निधन से संबंधित खबरों की। जमीला मलिक का हाल ही में निधन हो गया। उनका कार्य क्षेत्र क्या था। वह एक जो है वह दक्षिण की जानी मानी अभिनेत्री थी जमीला मलिक जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। और यह रही जमीला मलिक जिनका हाल ही में निधन हो गया। आइए हम आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का निधन हो गया। उनका नाम क्या था। या हमारे ऑप्शंस हैं सुनीता चंद्रा जिन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने भारत की टीम यानी हॉकी महिला टीम की कप्तान 1963 से 1966 तक संभाली थी। अगर बात करें कोबे ब्रांड की तो यह एक बास्केट प्लेयर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। और यह खगेंद्र थापा जो कि विश्व पूरे वर्ल्ड के सबसे छोटे व्यक्ति थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। और यह सुनीता चंद्र जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी जिनका अभी बीते दिनों ही निधन हो गया। और यह रही सुनीता चंद्र जो कि अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित थी जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। इसमें इतना ही। आइए हम आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप अमित सर को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पर हम डेली अपने करंट अफेयर्स की फ्री स्टडी मटेरियल्स की PDFs को डालते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम अपने करंट अफेयर्स की वीडियोस को पोस्ट करते हैं। आप हमें अदर सोर्सेज के थ्रू भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे जो बेल आइकन बना उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको फर्दर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।